डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, प्रतीक खंडारे, जिन्होंने अभी जो रिसेंट महाराष्ट्र सेट 2023 का एग्जाम हुआ उसमें सक्सेस हासिल किया है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया उसके बारे में उनका जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम प्रतीक। थैंक यू सर सो मच सर। चलिए तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो व्यूवर्स को आपको इंटरेस्ट है उन क्वेश्चंस में, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है महाराष्ट्र सेट 2023 क्वालिफाई करके, हाउ यू आर फीलिंग सर? और काफी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ सर एग्जाम क्लियर करने के बाद, क्योंकि सर मेरा टारगेट था कि सर एटलीस्ट सेट या नेट क्लियर हो जाए तो मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकता हूँ। चलिए, तो उनका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो अभी कामयाब हो सकता है आफ्टर क्वालिफाइंग एमएस सेट 2023। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए प्रतीक, अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या करते हो, किधर रहते हो, ठीक है? तो ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली। मायसेल्फ प्रतीक शैलेंद्र खंडारे एंड आई एम फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर इन कंप्यूटर साइंस and I have completed PG in mathematics from VMV College Amravati sir and I am currently preparing for good rank in GATE. Okay, तो चलिए ये वो उनका brief introduction रहा। मेरा अगला सवाल आपके लिए प्रतीक, आपने IFS को ही क्यों चुना सेट के प्रिपरेशन के लिए, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके बारे में व्यूअर्स को बताइए जरा। सर इसके लिए बहुत ही पर्टिकुलर रीजन है, जब मैं जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ था तो जैसे मेरा MSc हुआ तो मैं सर सेट या नेट के बारे में मुझे पता चला कि एमएससी की बात करना होता है, तो जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे मेरे मैडम ने या सीनियर लोगों ने कंसल्ट किया कि तू कर सकता है, तू सेट नेट क्लियर कर सकता है, तुम्हें वो एबिलिटी है। तो फिर मैं सर यूट्यूब या इधर उधर सीनियर से गाइडेंस लेने लगा सर। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था तो सर मैं सेल्फी कर रहा था, तो फिर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम गए करते वक्त, कुछ थ्योरी समझ में नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम तो बन ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सर यूट्यूब से IFS से ऑलमोस्ट 2-3 चैनलों से रिकमेंड किए थे, पर IFS से मुझे थोड़ा बेटर लगा। पहले मैं IFS से फ्री वीडियो देखता था जो आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैंने एक एग्जाम ट्राई दिया था, उस टाइम मैंने कोचिंग नहीं लगाया था, तो उस टाइम मैंने सेट का एक एग्जाम दिया था, शायद से मेरे 3 या 4 नंबर से रह गया था, तो उस टाइम मुझे बहुत सैड फील हुआ सर। तो फिर मैंने उस टाइम सोच लिया था कि अगली बार मुझे कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए सर, अगली बार मेरा सेट क्लियर होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने सर IFS के साथ ज्वाइन कर लिया। उस टाइम मैंने तो प्रतीक ने भी जो हमारे बैचेस चलते उनमें बहुत एक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और बहुत रेगुलरली जो भी टास्क असाइन किया जाता था ड्यूरिंग द लेक्चर्स वो कम्प्लीट करते थे, और 2023 के इस एग्जाम में उन्होंने अच्छी सक्सेस हासिल की और लगभग 180 मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस प्रतीक, यस सर, 180 मार्क्स उन्होंने हासिल किए इस एग्जाम में, तो कांग्रेचुलेशन। चलिए थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हर्डल्स आए और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? जैसे कि सर मैंने बताया जब मैं सेल्फ स्टडी करता था सर तो मुझे बहुत सारे हर्डल गए, थ्योरी भी अच्छे समझ में नहीं आती थी, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर से जो स्टडी मटेरियल सीनियर से लिया वो कलेक्ट किया, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ समझ में आया पर इतना कुछ उससे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं सर। तो मैंने IFS के साथ कोचिंग किया तो मेरा बहुत सारा बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ और सभी थोड़े क्वेश्चन भी बनने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ। उसके बाद सर मैंने फिर कभी कभी मॉक भी ट्राई करने लगा तो उसमें भी थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे नंबर आने लगे तो और फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होने लगा सर, तो उससे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा, तो फिर मुझे एक ऐसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि शायद हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यस yes. तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हैं मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज एग्जाम का माहौल प्रेशर होता है, अगर आप पहले ही हैंडल कर पाते हो तो बाद में एक्चुअल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती हमें। चलिए ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रतीक ने हमारे साथ शेयर किया। तो मुझे बताया प्रतीक, सिलेबस तो वास्ट था MSc का, तो किस तरीके से आपने प्लान किया और कितना सिलेबस आपने प्रिपेयर किया था MSc 2023 के लिए? हम देखते हैं सर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे बहुत सिलेबस देखा जाए तो सर मैथमेटिक्स का ही है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने सारा ही कवर किया था सर 95%। सिर्फ मैंने जो स्किप किया था सर वो टोपोलॉजी सेक्शन था रियल एनालिसिस में, उसके सिर्फ मैंने PYQ कर लिया था, थ्योरी कुछ भी अच्छे से पढ़ा नहीं था सर। और तो मेन फोकस मेरा सर प्योर पे ही था, हमारा जैसे रियल हो गया, लीनियर हो गया, कॉम्प्लेक्स और ग्रुप के,
रिंग थ्योरी, ये सब्जेक्ट मैंने इतने अच्छे से करके रखे थे सर, इनमें से सर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बनना ही चाहिए, ये लेवल की मैंने प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा सपोर्ट सर मेरा तो आपने सुपर 40 बैच लिया था सर एमएस सेट के लिए, उसी से हुआ है सर। सुपर 40 में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको हमने ऑलराउंड प्रिपरेशन करा, सिर्फ टारगेट का एमएस सेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल कैसे डेवलप करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, थ्योरी पढ़ना हम बस कंसेप्ट के लिए पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आल्सो स्किल, वो हमें टाइम के साथ डेवलप करना होता है, तभी आप कोई भी कंप्यूटर एग्जाम्स डेवलप कर पाओगे। और सुपर 40 का इंटेंशन ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी स्टूडेंट में डेवलप करते जाए। ठीक है, चलिए मुझे बताइए प्रतीक, आपका फेवरेट कौन सा है, प्योर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स? उसमें कोई डाउट ही नहीं सर, मेरा फेवरेट सर प्योर मैथमेटिक्स सर, और कॉम्प्लेक्स मुझे एनालिसिस बहुत पसंद सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस। चलिए, एनालिसिस में उनका कोर इंटरेस्ट था, और डेफिनेटली आप अगर आप वेटेज देखोगे तो बहुत ज्यादा वेटेज होता है एनालिसिस का, भले आप कॉम्प्लेक्स बोले या रियल बोले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली एनालिसिस सेक्शन। चलिए मेरा आपका आपके लिए अगला सवाल है, आपका मोटिवेशन कौन रहा? बिकॉज जब भी प्रिपरेशन आप करते हो तो आपके एक सैचुरेशन आता है, वो सैचुरेशन को कैसे ओवरकम किया और कैसे आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखा? तो बड़े मोटिवेशन सर मेरे लिए वो जो मेरे बड़े भैया रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वही रहे। उन्होंने हर चीज में मुझे सिखाया कि कैसे क्या हर्डल आए, तो मोटिवेशन हर उन्होंने हर वक्त मुझे मोटिवेट बनाते हुए रखा कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट के दिए हुए थे, तो अभी अभी उनका 6-7 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने बताया कि एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए। और जो हमारा एम एस सेट का पेपर वन था सर, उन्होंने खुद मुझे पढ़ाया हुआ था, तो एम एस सेट में पेपर वन में मुझे 70-80 मार्क थे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो सर उससे बहुत हेल्प हुई सर। उनके जो भाई है उन्होंने बहुत उनको मोटिवेट किया, उनके रोल मॉडल रहे और वो भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। मुझे बताओ आपके प्लान्स क्या आगे, सेट तो हो गया, अभी व्हाट आर द नेक्स्ट फेज? प्लान यही है सर कि कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे ज्वाइन होना है, और वही मुझे करना है। यस, देखिए जब भी आप एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं, हमारा पैशन रहता है मैथमेटिक्स, तो हम यही चाहते हैं कि उसको पैशन को करियर में कन्वर्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज में हम महारत है हमारी, उसी चीज में आगे बढ़े और करियर बनाए। चलिए, तो उनका सपना है कि आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बने रेप्यूटेड कॉलेजेस में। ठीक है, चलिए मेरा अगला सवाल आपके लिए, आपका जो सक्सेस है अभी तक का अचीवमेंट्स का, वो उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली, मेरे भैया, पिताजी और मम्मी को देना। सेकंड सर आईएफएस, नो डाउट सर आईएफएस की वजह से ये पॉसिबल हो चुका है, अगर आईएफएस का साथ मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं, मुझे नहीं लगता ये मुझसे हो पाता सर। तो IFS हमेशा स्टूडेंट के पीछे बैकबोन की तरह रहा है, आज नहीं हमेशा से, और स्टूडेंट की जो भी दिक्कत आती है उनको ओवरकम कैसे करना है इसके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो मेरा अगला सवाल आप सभी के लिए है, आपके सभी के तौर से मैं प्रतीक से पूछने जा रहा हूँ, व्हाट आर द मैसेज यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं हुआ है, मैसेज दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, नहीं हुआ है, तो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दोस स्टूडेंट्स, ऑल दोस व्यूअर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एमएससेट 2024? ये देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि जैसे हमें पता है कि कोई भी एग्जाम हमें क्रैक करनी है, तो उसके लिए हमें एक कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क की जरूरत होती है सर, और इस एमएससेट और आप नेट या गेट कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है सर, वो चीज मैंने डेली की। और एक मेन चीज मैंने कि सर की आईएफएस के जो भी डेली यूट्यूब सेशन होते थे सर, वो मैंने डेली अटेंड किए सर, अगर कोई लाइव मिस हो जाता तो मैं रात में या सुबह देख लेता सर, पर कभी मैंने कोई मिस नहीं किया, और उससे बहुत सारी हेल्प हुई। और मुझे एक पर्सनल ऐसे लगता है सर कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो सेट या नेट, तो आपके लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए, पहले आईएफएस ने की, आप सभी ने की, की वजह से मेरे बहुत सारे बेसिक चीजें क्लियर हुए, जो सिली मिस्टेक मुझसे हो रही थी कोचिंग के पहले, वो सारी चीजें ओवरकम करना होता है। और मेन बात सर एक ऐसा हुआ कि सर जब मैं एमएस सेट का एग्जाम देने गया, तो सर मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एमएस सेट का एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो हमारी चीज बैच में हो चुका था कि 10-12 महीने मॉक टेस्ट सॉल्व करके जो वीकली जो टेस्ट होता था वो सॉल्व किए थे सर, और आईएफएस पे जो यूट्यूब सेशन होते थे उससे भी हेल्प हुई, उससे ऐसी हेल्प हुई सर, जैसे यूट्यूब सेशन होता था वो रोज डेली हैमर होता था सर, थ्योरी वेरी सब ये बहुत सारा हेल्प हुआ सर, ऐसा फील ही नहीं हुआ सर मुझे एग्जाम में, ऐसा मतलब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, जैसे क्वेश्चन दिखा तो आंसर विद इन अ सेकंड आंसर बन रहा था। ओके, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट दे रेगुलरली, ताकि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड और एक्यूरेंसी है वो मेंटेन रहे। तो इसी बात पे मैं आपका अगला सवाल पूछना चाहूंगा प्रतीक, कि आपको जो आईएफएस का टेस्ट सीरीज है मॉक टेस्ट है वो कितना हेल्प किया?
उसी से ही सर बहुत सारा हेल्प हुआ सर, कि विदिन मेरे क्वेश्चन आईएफएससी मार्क्स, मैंने पहले मेरे को स्कोर इतने अच्छे नहीं आ रहे थे सर, जैसे फिर मैं तीसरे चौथे मॉक टेस्ट पे गया तो फिर स्कोर अच्छे आने लगे सर, और एग्जाम के वक्त ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सर मैं मतलब सेट एग्जाम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और मुझे कुछ इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी सर। मैंने घर से सोच के गया था कि कट ऑफ से अगर मेरे 10-12 नंबर भी आ जाएंगे तो वो शायद मेरा क्लियर हो जाएगा सर, मैं इतना ही डिसाइड करके गया था, पर मुझे आप देख सकते हैं सर 180 मार्क मिल गए, कट ऑफ से 40 मार्क ज्यादा मिल गए सर पिछले वाले से। yes. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो सर ये सब पॉसिबल आईएफएस की वजह से हुआ सर। चलिए, तो मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी कोई भी आप, नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र सेट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर आप देते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मेरा सवाल और जवाब रहे प्रतीक से, होपफुली आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन टू प्रतीक फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग द वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।